ये है जी, अरे लगा अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शहीरा व्लॉग्स। सो यार, अभी मैं ठंडे पानी से शावर लेकर आई हूँ। इस वजह से मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, और इस वीडियो पिछले तमाम वीडियोज़ को जाके ज़रूर लाइक कर देना है। तो सबसे पहले मैं अपने कपड़े निकाल लेती हूँ। मैं कपड़े क्या पहनूँगी अभी देखते हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ठंडी सो ये रहे जी कपड़ा आगे रखे हुए हैं, मुझे पहनने थे तो मैंने ऊपर ही निकाल के रख लिए थे। ओके ये किचन मैंने ली थी न्यू, ये वाली मैंने लास्ट जो दिखाई थी वही थी। ये अभी मैं न्यू लेकर आई थी थोड़े दिन पहले, ये भी मैंने डाल ली है यहाँ। अभी इन दो की रह गई है, इन दो की भी कोई न्यू यूनिक सी कोई न्यू किचन दिखेगी तो हम इन दोनों पर भी डाल देंगे। इनका तो हो गया, तो अभी इनको प्रेस करना है, देखते हैं इनको। दुपट्टा डाई कराया था मैचिंग का। अब मैं शूज़ भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर लास्ट में मसला होता है कि मुझे क्या शूज़ पहनने हैं क्या नहीं पहनने हैं, लास्ट में पहनने को होता है। तो मैं जूते भी देख लेती हूँ कि मुझे कौन से पहनने हैं। अरे वाह, पहले ही हाथ निकाल लगाया और वही स्लीपर हाथ में आ गई तफाकन, जो मुझे पहन के जानी है। वरना ऐसा होता है कि जो स्लीपर या सैंडल शूज़ जो भी निकालने होते हैं सारे पहले खोल खोल के चेक करो, फिर वो बॉक्स निकल के हाथ में आता है। ओहो लग जा भाई, लग ही नहीं रहा है, इसको ऐसे ही रख देते हैं, अभी वैसे भी पहन के जाना है। चलना जी, वाले स्लीपर भी निकल गए हैं, कपड़ा भी निकल रहा है। इनको उठाओ, प्रेस के लिए जाओ। दूसरे रूम में आ गए हैं हम, स्टीमर ऑन कर दिया है। स्टीमर को नीचे से भी ऑन कर दें। चलें जी, खुल जा सिम सिम, जल्दी से स्टार्ट हो जाए पेपर्स निकलना। कपड़ों को मैं यहाँ रखूँगी वन बाय वन। शॉल को भी रख देती हूँ भाई, इसको पहन के काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पहले जो ट्राउज़र पे करती हूँ प्रेस। या प्रेस करते हुए ना मेरे साथ एक हो गया है मसला, मतलब मैंने कर लिया है ये, कहाँ गया यार, देखना था। प्रेस करते हुए मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुआ है, वो ये नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ये है वो प्रॉब्लम। ओहो ठीक से दिख जाओ। यस दिस इज द प्रॉब्लम, ये जल चुका है मुझसे। जली ना, तेरी भी जली ना। और ये दुपट्टे को मैं प्रेस कर रही थी, प्रेस भी मुश्किल से हो रहा था, फिर ये जल भी चुका है और प्लस इसके ऊपर पीको भी नहीं हुई भी। तो आई थिंक इस दुपट्टे को मैं रहने देती हूँ, कोई और ऑप्शन देखती हूँ वार्डरोब में अपनी। सो ये दुपट्टा, ये भी है ग्रीन, प्लस ये भी कुछ ग्रीन सा है, और भी इसके अलावा काफ़ी सारे जोड़े हैं जिस पर कुछ ना कुछ आई थिंक हो जाता है। पहले मैं ये ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे ग्रीन आ रहे हैं, सो कोई एक तो शायद मेरे ग्रीन पे चल ही जाएगा। खुल जाए यार। ये चुनरी थी जो मैंने ली थी, कुछ इस तरह से है। एंड इसको अगर मैं लूँ, या इट लुक्स मच बेटर। मैंने लिया है ये भी, सही लग रही है अगर मैं इसको लूँ। वार्डरोब तो मैंने बंद ही नहीं की, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। चल भाई बंद। सो ये एक ऑल्टरनेट ऑप्शन मैंने निकाला है दुपट्टे का। पहले ये था, ये डाई शाई कराया कब से पड़ा हुआ था पिछले साल का, तो अब मैंने ये निकाला है, ये भी बेहतर लग रहा है, तो हम यही ले लेते हैं फ़िलहाल। तो चलें जी, ये हो गया नसीब से, मतलब ये मिल गया तुफाकन,
वरना लास्ट मोमेंट पे पैनिक हो रहा होता है अभी जाते हुए कि क्या लूँ क्या लूँ। उसे पीको भी नहीं हुई हुई थी तो मुझे ऑलरेडी उसका ना काफ़ी वो हुआ था कि अभी मुझे इस पर पीको करानी है बट इस पर तो कोई ये बिल्कुल रेडी है। टेसल वगैरह भी इन्फेक्ट लग गया है तो फागन मैच हो गया, आज मैं यही ले लेती हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आई एम गोना शो यू द डिटेल्स ऑफ दिस आउटफिट। ये वेलवेट का सूट है लास्ट ईयर का जो मैंने पहना ही नहीं था, पिछले साल से ऐसे पड़ा हुआ है इसके स्लीव्स पर। और ये जो नेक लाइन आपको मिरर में दिख रही है इस पर मैंने लगवाई थी लेस या डोरी पाइपन। सिंपल सा एक मैंने ये वेलवेट का ड्रेस मुझे शादी में ही ला के दिया था लास्ट विंटर्स में, दो थे ये, एक मैंने पहन लिया था, एक जब से रखा हुआ था मैंने कहा आज मैं पहन ही लेती हूँ क्योंकि सर्दियाँ इतने कम टाइम के लिए आती हैं। लास्ट भी यही हुआ था कि दोनों में से एक भी नहीं पहन पाई थी और विंटर्स आके भी चली गई थी, तो इस बार मैंने जो है ये वाला रखा हुआ था तो मैंने जो है निकाल लिया और उसको पहन ही लिया। क्योंकि अगर हम किसी इवेंट या ओकेजन्स का वेट कर रहे होते हैं तो तब तक तो विंटर्स आके चली जाती हैं, हम ना कुछ वैसे प्रॉपर ड्रेसअप हो पाते या कुछ भी नहीं कर पाते। वेल, शूज़ भी निकाल लूँ मैं अपने, थोड़े वेलवेट के हैं ना, मैंने उनको लास्ट साफ़ सुथरे करके रख दिए थे कपड़े से, गीले कपड़े से साफ़ करके, ताकि गंदे होते हैं ना ज़रा भी तो बहुत ही बुरे लगते हैं। वेलवेट के तो स्पेशली आपने हर चीज़ को जो है वो लिंट से भी सेव करके रखना होता है जी। तो एग्जैक्ट कलर पता नहीं इसमें नज़र आ रहा है। बैग ले लूँ मैं, ये लास्ट जो है कुछ सामान घर से आया था रुखसार का बैग था ये, तो ये मुझे देना है। दुपट्टा भी मैं यार ये उठा के रखता हूँ, पहला वाला लगेगा वरना पूरा रूम सिकान ही नहीं रही है ये नेट में, तो देखते हैं कुछ आके क्या करना है। एक कदर टिश्यू पेपर भी निकाल लूँ, ज़रूरत पड़ जाती है। बस एक ये येलो लाइट ऑन करनी है, बाकी सारी ऑफ कर दूँ मैं। ये है जी अरीबा का रूम, ये है इसका ड्रेसिंग मिरर, ये है पूरा ये वार्डरोब और ये है इनकी एलईडी की वॉल। चलें जी, ये कपड़े पड़े हुए हैं, यहाँ थोड़े साइटी है, यहाँ है वॉशरूम है और ये है किचन। अच्छा, ओह माय गॉड, वाओ। और ये है इनका सिटिंग एरिया, सलावा तुल्ला अलैका।
ऑरेंज ऑरेंज पहन के आया एक बच्चा माल्टा बना हुआ है माल्टा नाम भूल जाती है सायमा जी इसका। हाँ हाँ चलो बेटा तुम देख रही हो मेरा व्लॉग नहीं देख रही देखती हो। सो यार अभी मैं आ चुकी हूँ घर और अभी जो कुछ गेस्ट आए हुए हैं मतलब पप्पो वगैरह घर में आके बैठ गए तो उनके लिए मैंने कोल्ड ड्रिंक है। थोड़ा ठंड हो रही है लेकिन गैस नहीं आ रही है तो चाय नहीं बना सके तो यार कोल्ड ड्रिंक से फिलहाल गुजारा करना पड़ रहा है लेकिन कोल्ड ड्रिंक निकाल लेता हूँ मेरे सो गाइज आई एम बैक हेयर एट होम एंड होपफुली आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। इफ़ यू गाइज लाइक माई व्लॉग प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो अब मैं जो रियाद में फैमिली गई हुई है बाकी तो अम्मी ने कुछ मुझे वीडियो सेंड करी मुझे कहा था कि अपने व्लॉग में ज़रूर ऐड करना सो आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू गाइज होपफुली यू गाइज इन्जॉइंग इट अ लॉट। ये देखो ये हमें ये जो ये आया आएगा नहीं करीब से रव्यान रुको सो गाइज सो मेनी पीपल आस्किंग मी अबाउट माई मॉम दैट हाउ इज़ योर मॉम सो हेयर शी इज़ ऑन द चिल मोड अल्हम्दुलिल्लाह रिमेंबर अस इन योर गुड प्रेयर्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू टू माई चैनल।